भारी बारिश से नदियां उफान पर, शहरों और गांवों में घुसा नदियों का पानी, नदी के पानी के साथ आया मगरमच्छ। वडोदरा में भारी बारिश के बाद नदियों का पानी गांवों शहरों में घुस गया है और नदियों के पानी के साथ मगरमच्छ भी अब लोगों के बीच दस्तक दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, वन विभाग के 10 से 15 कर्मचारी किस तरह एक मगरमच्छ को पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पानी की तेज धार के बीच ये लोग मगरमच्छ को बांधने की कोशिश में जुटे हैं। कुछ देर बाद मगरमच्छ को ये लोग दो रस्सियों की मदद से बांधने में कामयाब हो जाते हैं और पानी की तेज धार से बाहर खींच लाते हैं। पानी से बाहर आते ही मगरमच्छ इन पर हमलावर हो जाता है। मगरमच्छ गुलाटियां मारता हुआ वन विभाग की टीम की गिरफ्त से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इन लोगों ने मगरमच्छ को बड़ी ही मजबूती से पकड़ रखा है। वन विभाग की टीम अब मगरमच्छ के मुंह को बांधने की कोशिश में जुटे हैं ताकि सही तरीके से मगर का रेस्क्यू किया जा सके और मगर किसी तरह का नुकसान न पहुंचा पाए। कड़ी मशक्कत के बाद मगर के मुंह को कपड़े से बांधा जाता है और मगर के ऊपर वन विभाग की टीम के कई लोग चढ़ जाते हैं। और मगर को पूरी तरह से बांध लेते हैं ताकि जंगल तक पहुंचने में किसी तरह की कोई ढील ना रह जाए।